सदन पंजाब सूबे की नहीं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पीटीआई भी इस सिलसिले में, तो इलेक्शन में उन्होंने जारा महाज बनाया था, वो सब तैयार है उसके लिए कमेटी में। इसमें सिंध के ऊपर आप बिल्कुल सिंध का सूबा से आप बात करते हैं, वहां तो जो सदन पंजाब के लोग चाहते हैं, सूबा सिंध के लोग उसको जीने नहीं देंगे जो सिंध की तकसीम की बात करेगा। अच्छा, तो ये मैं आप लोगों को भी जिक्र करूंगा, इसको ऐसा रंग ना दे, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने पहले भी कहा था, बहुत सिंपल है, करते हैं तो नहीं करते तो अच्छा है, करते हैं तो और भी अच्छा है। वो लोग जैसे नेशनल असेंबली लोगों से वोट लेते हैं ताकि लोगों की नुमाइंदगी रहे, अभी भी पता नहीं 5-6-7 हलकों से खुद इलेक्शन लड़े, पीपल्स पार्टी के खिलाफ जहां जहां इलेक्शन लड़े हारे, आपने पंजाब हो चाहे वो सिंध, लेकिन वो लोगों के वोट लेने के बाद आप खुद सोचें, यहाँ आपके MNA और MP अगर वोट लेने के बाद असेंबलियों में ना जाएं, आपकी आवाज़ ना बने, तो उनका MNA MPA होने का फ़ायदा क्या है? तो ये मंतक मुझे समझ नहीं आती। नेशनल असेंबली से भी खुद ही बाहर बैठे हैं और जब स्पीकर बुलाता है तो जाते नहीं हैं, तनख्वाहें ले रहे हैं जहाँ तक मुझे पता है, जो मैंने सुना हुआ है। अब ये पंजाब और KPK से डिजॉल्व करेंगे, कह रहा हूँ ना करें तो अच्छा है, मैं इसलिए कि हम सियासी आदमी, हम कहते हैं वो सियासी माहौल में और जमहूरी माहौल में जमहूरी अख्तियार को कायम रखें, लेकिन अगर तोड़ते हैं तो और भी अच्छा है, हम इनसे लड़ेंगे और चलेंगे। ये इश्यूज आते हैं, लेकिन इसमें सिंध हुकूमत बड़ी जो है उसका मौका बड़ा वाजे है कि जो भी इलीगली ऑक्यूपाइड जमीन है, यही हुकूमत है जिसने एंटी इंक्रोचमेंट लॉ बनाया, एंटी इंक्रोचमेंट पुलिस उस पर सरकारी जमीन पे लीगली, तो अगर वो अलॉट नहीं हुई तो और बात है, अदरवाइज वो बर्दाश्त नहीं। 3 साल इसने हुकूमत की थी और नाकाम हुकूमत की थी, अब बात करता है कि जी जल्दी इलेक्शन हो जाए। मैं तो इस पर मैं इसको एक मजाक समझता हूँ इस मुल्क के लोगों के साथ, ये सिर्फ अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए कि हुकूमत से दूसरों पे, वो पहले कहते थे मुझे कि निकाला वो कंस किया करते थे, अब पता है भाई आप क्यों इतने परेशान हो रहे हैं। 5 साल के लिए मुद्दत होती है असेंबलियों की, वजीर आजम की मुद्दत 5 साल नहीं होती, वजीर आजम की मुद्दत होती है या वजीर आला की, जब तक असेंबली का एतमाद उस पर हो 5 साल मुद्दत होती है, वो 5 साल की मुद्दत इंशाल्लाह ताला पूरी करेंगे असेंबलियाँ, और ख़ास तौर पर इस मुश्किल वक्त में जब पूरे पाकिस्तान में और ख़ास तौर में सिंध के लोग सैलाब की सूरत हाल की वजह से तकलीफ में हैं, ये बात करना उनके साथ मजाक है। अच्छे जो कर रहे हैं बात, मुझे बड़ा अफसोस, हम हमेशा से कर रहे थे जब पूरा पाकिस्तान और ख़ास तौर पर सूबह सिंध, और हम आज ठट्टा में खड़े हैं, ठट्टा सियावल बदी ये सारा इलाका, इसके लोग जब बरसात की वजह से जो फ्लड्स आए थे, सैलाब जो आया हुआ था उसमें डूबे हुए थे, तब ये हजरत और उनकी पार्टी उसी दौरान 40 जलसे, मैंने तो गिने नहीं, मैंने सुना है, तो मैंने कोई देखा भी नहीं जलसा इनका, उस दौरान इन्होंने 40 जलसे किए। इस वक्त जब मैं इधर खड़ा हूँ, मैं आज अभी हेलीकॉप्टर पे आया हूँ, अभी भी कई इलाके पानी में है, इस वक्त भी सिंध हुकूमत लोगों की मदद के लिए, चाहे वो रिलीफ की सूरत हाल में हो, सूरत में हो, जैसे उनको राशन देना, लोगों के घर हमने अभी सर्वे किया है, तकरीबन 21 लाख घर यहाँ, और उसमें से ज्यादा तादाद है जो पूरी डैमेज्ड घर हैं, तकरीबन 14 लाख वो घर हैं, कुछ कम उससे, लोगों के सर पे छत नहीं है, टेंट्स में वो रह रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, फेडरल गवर्नमेंट, सूबाई हुकूमत, वजीर आजम साहब, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, ये सब कोशा है कि किस तरीके से इन लोगों को आबाद किया जाए, और इस सिलसिले में हमने स्कीम्स, हमने सिंध हुकूमत ने वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इनके साथ मिलके लोगों को के घर बनाने के लिए स्कीम्स, ये जो इरिगेशन नेटवर्क तबाह हुआ है, स्कूल तबाह हुए हैं, रोड तबाह हुए हैं,
लोगों की लाइवली है उसके लिए, किसानों के लिए बीज देने के लिए जो हमने स्कीम बनाई हुई इंशाल्लाह ताला उसमें हम हर किसान को 5,000 रुपये पर एकड़ दिया जाएगा जिसने गंदम के बीज के सिलसिले, हम ये बात काम कर रहे हैं।